विषय गणित कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x के मान हमें दिए गए हैं x बराबर 0, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दिए गए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x के स्थान पर उसके दिए गए मान भर के बहुपद को हल करना है, यानी इस बहुपद में जहां भी x है उस स्थान पर हमें ये मान एक एक करके भरने हैं और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये बहुपद हमें दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें यदि आप देखें यहाँ x की कोई घात लिखी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है कि x की घात है 1। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ देखें 3 के साथ x नहीं लिखा है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ है x की घात 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी चर की घात यदि 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है, तो 3 एकम 3 हो जाता है। आइए अब हम x की घातों को देखें, तो यहाँ x की घात है 1, यहाँ 2, यहाँ 0। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को x की घात के अनुसार अवरोहित क्रम में लगाएंगे, यानी जो x की सबसे बड़ी घात है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी घात और उसके बाद सबसे छोटी घात। देखिए हमारे पास आ गया माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ x की घात 2 सबसे बड़ी थी इसे हमने सबसे पहले लिखा है, प्लस 5x प्लस 3। तो ये हमारा बहुपद बन गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब हमें x का जो मान दिया था वो दिया था x बराबर 0। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इस बहुपद में x कहां कहां पर आ रहा है। देखिए दो जगह पर x आ रहा है, इन दोनों जगहों पर x के स्थान पर अब हम लिख देंगे 0। x के स्थान पर अब हम लिख देंगे 0। जब हम इसे हल करेंगे तो देखिए 0 का स्क्वायर होता है 0, माइनस 4 इसके साथ है, प्लस 5 गुना 0 होता है 0, प्लस 3 को हमने ऐसे ही नीचे उतारा है। अब माइनस 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 0, और प्लस 0 प्लस 3 को हमने साथ में उतारा। अब 0 में 0 प्लस किया, प्लस 3 प्लस किया, तो हमारे पास इसका उत्तर आ गया 3। इसका अर्थ ये है कि हमने इस बहुपद में जब x का मान 0 रखा तो इस पूरे बहुपद का मान आया है 3। आइए हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग में x का मान दिया गया है -1। फिर से हम देखेंगे कि हमारी संख्या इस बहुपद में x कहां कहां पर आ रहा है। ये दो स्थानों पर x आ रहा है, तो इन दोनों स्थानों पर ही x की जगह पर अब हम लिखेंगे -1। और इसे देखिए -1 का जब स्क्वायर किया तो वो आ गया 1, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इनकम 5, प्लस 3 को हमने साथ में उतारा। अब -4 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया -4, और यहां पर माइनस 5 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 निकाला 2 और साथ में साइन बड़ी रकम का -2 आ गया है। अब जब इसे हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 और साथ में साइन माइनस का। इस प्रकार से इस बहुपद में यदि x का मान -1 भरेंगे तो हमारे पास उसका मान आएगा, बहुपद का मान आएगा -6। इसी का तीसरा भाग है x बराबर 2। अब हम बहुपद में देखेंगे x कहाँ है और इसकी जगह हम x की जगह भर देंगे 2। तो बच्चों अब मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे आगे स्वयं x का मान 2 भरने के बाद इसे स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको x का मान बहुपद में रखना जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।